देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा नगर में विगत दिनों 28 नवंबर शाम को छापीहेड़ा निवासी दुर्गा प्रसाद मालवी की बिजली के तार से करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मालवी समाज द्वारा नगर परिषद छापीहेड़ा पुलिस थाना छापीहेड़ा विद्युत मंडल छापीहेड़ा में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान आक्रोशित समाजजनों ने बिजली विभाग और नगर परिषद की लापरवाही को लेकर गहरा असंतोष जताया, साथ ही नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि इस दौरान आक्रोशित समाजजनों ने विभागों के समक्ष अधिकारी और मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही समाजजनों ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की। उन्होंने युवक की मौत के लिए इनको जिम्मेदार ठहराते हुए ज्ञापन सौंपा, साथ ही कहा कि अगर 15 दिन के अंदर प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान शहर सहित क्षेत्र के सैकड़ों समाजजन उपस्थित रहे। ना भाई, वो आवेदन का मैं अखिल भारतीय बलाई महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मालवी मेरा नाम है जी। और जो छाबेड़ा में घटना घटी है, ये करंट लगने से हमारा जो बच्चा मरा है जी। इसमें मैंने पुलिस विभाग में भी गया हूँ तो पुलिस विभाग बता रही है हमारा ये है वो है करके टालम टोल का काम पुलिस विभाग तो कर ही रही है जी। दूसरा में अभी हम यहाँ बिजली विभाग में सहायक मंत्री के पास में आया है, उनने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारा विभागीय और से जो भी मदद मिलेगी वो हम इनको मदद देने को तैयार है। दूसरा में मेरा प्रश्न ये है कि आप इस चैनल के माध्यम से मीडियो के माध्यम से जो भी ऊपर उच्च अधिकारी बैठा है, जो जवाबदार अधिकारी बैठा है, वो इस छपेड़ा का निरीक्षण करें, क्योंकि कई घरों पे लाइट निकल रही है। आज एक हमारा बच्चा मरा है, जैसे कई दूसरे बच्चे न मरे, इसके लिए मैंने यहाँ के सहायक यंत्री से भी बात करी कि आप इसका निरीक्षण कर और जहाँ ऐसी जरूरत लगे और उस मकान मालिक की जो मकान बना रहा है माँ, उस मकान मालिक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि उसने क्या विधि विभाग की परमिशन ली है या नगर पालिका की परमिशन ली है। ये दोनों अगर परमिशन नहीं दी गई है तो उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करें, और परमिशन दी हो तो इन विभागों के कारण इनको ठोस से ठोस कार्रवाई प्रशासन करे। सर, अगर ये विभागों के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके लिए आपकी समाज को लेकर आप क्या करेंगे आगे फिर उसके बाद? ये अगर ये अभी हमने आवेदन करा है जी, निवेदन करा है, अगर ये नहीं मानते हैं प्रशासन तो हम राजगढ़ में जाके पूरा मध्य प्रदेश में हमारे भले समाज के जो लोग हमारे संगठन के लोग हैं वो राजगढ़ में इकट्ठे होकर के राजगढ़ में चक्का जाम करेगा, कलेक्टर का घेराव करेगा, एसपी का घेराव करेगा, पूरी तरीके से हम जब तक हम इसको फिर इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा हम रोड छोड़ने को तैयार नहीं रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।